अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं घुमारवीं के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों को लेकर राज्य की जयराम सरकार पर हमला बोला है। धर्माणी का आरोप है कि कोरोना महामारी के समय हुए घोटालों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और इन मामलों की जाँच किसी वरिष्ठ न्यायाधीश से करवानी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग में एक के बाद एक घोटाले सामने आए, उससे प्रदेश की छवि शर्मसार हुई है। इससे आमजन का सरकार के प्रति भरोसा भी कम हुआ है। सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकती। यदि जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो कांग्रेस के पास अन्य विकल्प खुले हैं। परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश धर्माणी ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि कोरोना महामारी के बीच जब सहानुभूति पर सहयोग की अपेक्षा थी, लेकिन जनता के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, ये चिंतनीय बात है। लोगों द्वारा जरूरतमंदों की मदद के लिए दिए गए पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ। यहाँ तक कि मजदूरों व छोटे छोटे बच्चों ने भी इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए दान दिया था, लेकिन ऐसे घोटाले सामने आने से प्रदेश की छवि को बड़ा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी तक ही खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस मामले की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में दोबारा कोई भी ऐसा न कर पाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होना शर्मसार करने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग में खरीद फरोख्त में गड़बड़ झाला हुआ है और 3 गुना ज्यादा कीमत पर सैनिटाइजर की खरीदारी की गई। यही नहीं, बिलासपुर जिला में पीपीई किटों में भी घोटाला सामने आया है। कम गुणवत्ता वाली किट्स खरीदकर कोरोना वॉरियर्स की जान जोखिम में डाली गई। यदि कोई अनहोनी घटना पेश आती तो कौन जिम्मेदार होता। राजेश धर्माणी ने कहा कि घोटालों में जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष का सामने आया तो तत्काल अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, लेकिन क्या इससे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? क्या सरकार में विराजमान अन्य नेताओं की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? चूंकि ये महकमा मुख्यमंत्री के पास है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। अध्यक्ष का इस्तीफा लिए जाने के बाद सरकार इस मामले से बच नहीं सकती। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की किसी सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो निर्देशानुसार यहाँ पे रखी गई थी, जो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जो 4 महीने पहले ही नियुक्त हुए थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और इस इस्तीफे से कई प्रश्न पैदा हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो लोगों के सामने आना चाहिए कि इस्तीफा दिया, एकदम से इस्तीफा मंजूर हुआ, और उसे ये लगता है कि घोटाला उतना नहीं है जितना सामने दिख रहा है। ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग जो है, एक छोटा सा टिप दिख रहा है, तो ये एक इसके तार कहीं बहुत गहरे जुड़े हैं। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जो जानकारियां उन तक पहुंची हैं इंटेलिजेंस द्वारा, अगर उनको दी गई हैं, इसकी वजह से जो है वो बिंदल जी से इस्तीफा लिया और उसका मंजूर हुआ, तो उस पे जो है वो जानकारी जनता के सामने रखी जाए। और ये आशंका है कि ये इसके तार जो हैं वो बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ जुड़े हैं, बड़े बिजनेसमैन उनके साथ जुड़े हैं, और इससे बहुत बड़ा धब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश की साख पे लगा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग जिस भोलेपन के लिए, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, इस घोटाले से जो है एक अलग तरह की छवि जो है पूरी दुनिया के सामने वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की खराब हुई है। तो एक तो हम इसकी मांग करते हैं कि ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी कराई जाए और दोषियों को जो है कड़ा, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरा, इसी तरह से जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं उनको भी इसके जाँच के दायरे में लाया जाए, CMO के जो कार्यालय है उनको भी इसके जाँच के कार्यालय में दायरे में लाया जाए, और जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी निगम हैं, चाहे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, हिमफेड है, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, इनके माध्यम से भी जो है वो खरीद हुई है इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में, उनकी ईमानदारी जो थी
वो इस खरीद फरोख्त में जो थे रोड़ा बनकर सरकार को खटक रही थी, इसलिए जो है उनको रास्ते से हटाया गया। तो इन सारी विषयों की जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध है कार्रवाई होनी चाहिए।